समस्या हमारा तो यह है कि मैं एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड में ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था, तो वहाँ हमारा पेमेंट डेढ़ साल से फंसा हुआ है। पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा, पैसा के लिए जाने से पैसा के लिए मैं गया था वहाँ पे, तो शुक्ला जो वहाँ जो सुपरवाइजर है वो मतलब झूठ का टोकरी है। आ जाओ, कल आओ, परसों आए, बॉस आज यहाँ गया है, वहाँ गया है, यहाँ है, वहाँ है, मतलब डेढ़ साल से मेरे को इसी तरह से दौड़ा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? अब ऐसा क्यों कर रहा है वही अंजाम बता सकते हैं ना, इसलिए कि मैं तो अपना जो मेहनत का पैसा वही मांग रहा, उससे तो और मैं फालतू का पैसा मांग ही नहीं रहा। तो आप काम वहाँ छोड़ दिए थे? नहीं, मैं खड़गपुर में था, खड़गपुर हमें भेजा गया था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ दिन ड्यूटी किए हैं, तो वहाँ पे एक सुपरवाइजर है संटू बोल के, वो मतलब हमारा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं संटू भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो रात का 11 बजे था समय, बरसात का समय था, तो मैं बोला कि संटू भाई गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, बोलता है को इतना गलत लैंग्वेज में मेरे को गाली दे के बोला कि रात में तुम लोग सोने नहीं देता है, तुम लोग तंग करता है, तो फिर उसका हम विरोध किए, तो मेरे पे मतलब उन लोगों ने मारपीट किया मेरे साथ में, और फिर मैं कंपनी में इस बारे में कंप्लेन किया, तो कंपनी वाले बोले कि एक काम करो तुम गाड़ी वहाँ छोड़ के चले आओ टाटा। कंपनी को सूचना दे दिए थे? कंपनी को सूचना दे दिए थे हम। अच्छा। तो वहाँ से फिर छुट्टी लेकर के आ गए? हाँ, वहाँ से फिर मैं गाड़ी जमा कर हैंड ओवर करके फिर मैं जमशेदपुर चले आया। अच्छा। जमशेदपुर आया तो फिर मैं चल गया, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, मैं चल गया छुट्टी पे, तो उस समय मैं पैसा मांगा, जाने से पहले मैं पैसा मांगा शुक्ला जी से, तो बोले कि अभी फिलहाल एक काम कीजिए, अभी तो बॉस है नहीं, आप अपना कैसे भी करके काम चला लीजिए, कर्जा वर्जा लेके बॉस आने से आपको पेमेंट आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो आज डेढ़ साल हो गया है इसी तरह से, मतलब आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, बॉस फलाना जगह गया, ढिकाना जगह गया है, उसी तरह से मतलब एक डेढ़ साल से मेरे को दौड़ा रहा है। अभी तक पैसा एक भी रुपया नहीं? फिर बीच में अभी ऑफिस गए थे तो वहाँ का पंकज बोल के एक स्टाफ है उन्हीं का, वो हमको धमकी दे रहा है ऐसा है वैसा, उसके बाद फिर वो ये लोग कुछ नहीं किया अभी तक। आगे आप क्या चाह रहे हैं? आगे यही चाह रहे हैं, देखिए हमारा तो आर्थिक स्थिति मतलब गड़बड़ा चुका है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा देखिए जहाँ रेंट में रहते हैं वहाँ भी हमारा रेंट बाकी रह गया है, या राशन दुकान में वहाँ पर जो पैसा बकाया हो गया है राशन दे दिया, उसके बाद भी बच्चे लोगों का स्कूल का फीस बाकी रह गया है, और हम चाह रहे हैं ये कि हमारा जो पैसा बकाया है वो हमें दे दिया जाए। कंपनी सही चाहे हमको शांतिपूर्वक पैसा मिल जाए? हाँ, कंपनी सही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमको जो पैसा हमारा जो निकल रहा है हमें दे दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? राजेश सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मानगो डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी।